गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी सुरेश चौहान धनारी क्षेत्र के भ्रमण पर रहे, जहां उन्होंने डोर टू डोर जनसंपर्क किया और धनारी क्षेत्र के पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल रावत का गढ़ एवं गांव रहा वहीं पर पहुंचे सुरेश चौहान ने गोपाल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह पूर्व विधायक के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। वहीं उन्होंने विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए कहा कि मैं विधानसभा गंगोत्री के मिथक को कामयाब करूंगा। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। कि वो देख के मुझे लग रहा है कि आप लोगों को काफी वो समर्थन मिल रहा है, यहाँ की जो महिलाएं हैं विशेषकर, तो आपका इस समय क्या विजन है जो आप के भी इनके बीच इतने लोकप्रिय हो रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो मेरे पे विश्वास जताया है और हमारी पार्टी ने जो निर्णय लिया है कि जो गांव में बसने वाला जो गरीबों का एक गरीबों का बेटा है, गांव से निकला हुआ है, गांव में रहता है, उस पे विश्वास जताया है और आम जनमानस का पूरी धनारी के अंदर, पूरे गाजना के अंदर, पूरे बरसाली के अंदर, पूरे बटवाड़ी के अंदर जगह जगह तमाम माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का बहुत बड़ा जनसैलाब, बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं भी अपनी उस महान जनता को जिनका प्यार प्रेम तमाम हमारे जो देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु हैं जो दिन रात चल रहे हैं, एक नया बदलाव, एक नया विकास की जो एक राह है कि कैसे स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा, कैसे हम बैठकर गांव की चौपाल पर गांव के जो है उनके बीच बैठकर उनके दुख दर्दों को और उनके जो है काम करने की एक नई दिशा और दशा को लाने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे तमाम जनमानस जो है मेरे से जो है जुड़ रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और जीत निश्चित है। धन्यवाद।